नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने हर एक यूपीएससी टॉपर्स के जो स्ट्रेटेजी होती है, उनका जो स्टडी प्लान होता है प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, उसमें से एक की पॉइंट को उठाया है। चाहे वो दिव्या तंवर मैम हो, या चाहे वो रवि कुमार सिंहाग सर हो, चाहे वो प्रहलाद सर हो, या फिर ETC जो भी IAS या IPS ऑफिसर जो हिंदी मीडियम से हो। अब मैं आपको बता दूं, इसमें हमने इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की भी स्ट्रेटेजी को इंक्लूड कर रखा है, तो इतना मैं आपसे कंफर्म कह सकता हूं, के की चोट के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपको प्रीलिम्स में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है, ये मेरा जो है कहना है। और अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब एंड इस PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप जीरो से प्रिपेयर करना चाहते हो 2024 के लिए, तो भी आप स्ट्रेटजी के तहत अपनी प्रिपरेशन को एक एडवांस लेवल तक ले जा सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके में। देखिए, पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपको सिलेबस को पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए आज के इस युग में ना इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए जिनकी वजह से इतना सारा मटेरियल इकट्ठा हो चुका है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, हमें ये तो पता है क्या पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है इसके लिए हमें सिलेबस को समझना होगा। जब हम सिलेबस को समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, UPSC में हमें बेसिक क्लियर करना चाहिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, UPSC एक नॉर्मल लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें ना आपको किसी भी सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है कि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में PhD करनी है, तो उस लेवल के नहीं, आपका बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको UPSC में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। आप अधिकतर स्टूडेंट्स के देखोगे ना, बेसिक ही क्लियर नहीं है। आप जैसे कि उनसे पॉलिटी में पूछोगे कि संविधान क्या होता है या फिर राज्य व्यवस्था क्या होती है, वो नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने NCERT नहीं पढ़ी है। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि आप 6 to 12 तक ही NCERT को ज़रूर पढ़े। देखिए, अब जो मेन मुद्दा आता है कि हमें कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए और किन सब्जेक्ट पर हमें थोड़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले इन्वायरमेंट हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और एक सब्जेक्ट और है, वो है ज्योग्राफी। माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 सब्जेक्ट आपके UPSC में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हें UPSC का कोर सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इन पर आपको ध्यान देना है मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। फिर देखिए, जो एनवायरमेंट का सेक्शन है ना, आप UPSC के पिछले सालों के पेपर उठा लीजिए, पिछले 10 सालों के। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखोगे एनवायरमेंट का जो स्तर है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है UPSC में। जैसे इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट बढ़ता जा रहा है और हिंदी मीडियम का रिजल्ट घटता जा रहा है ना, उसी प्रकार से एनवायरमेंट का जो है पोर्शन UPSC के फील्ड में बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो IFOs एग्ज़ाम है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम है ना, वो भी इसी में इंक्लूड रहता है, इसी के कारण, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 5 आपको ध्यान क्या देना है, पॉइंट नंबर 5 आपको देखना है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इकोनॉमी भी प्रीलिम्स में बहुत अच्छा, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो बजट के बाद होता है, बजट पेश होने के बाद में, तो इकोनॉमी से वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन करंट से आ जाते हैं। फिर इकोनॉमी का बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ी इंपॉर्टेंस कोर सब्जेक्ट है। अब इकोनॉमिक्स आपको कवर करनी कहाँ से चाहिए, देखिए आप मृणाल सर या रामेश्वर सर या दृष्टि विजन के वीडियो देख सकते हो। बेसिकली देखिए, मृणाल सर अनएकेडमी पर पढ़ाते हैं, रामेश्वर सर खान सर के यहाँ पढ़ाते हैं। दृष्टि में कौन पढ़ाते हैं और विजन में कौन पढ़ाते हैं, ये मेरे को कन्फर्म नहीं है, ठीक है, तो सुविधा अनुसार देख सकते हो। साथ ही अगर आप कोई बुक प्रेफर करना चाहते हो तो संजीव वर्मा सर की बुक है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। फिर हम चलते हैं पॉलिटी के लिए, कि पॉलिटी में आपको क्या होना चाहिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पॉलिटी क्या है कि एक ऐसा भाग है जो आपको प्रीलिम्स के लिए एकदम मजबूत करना है। प्रश्न चाहे कहीं से आए, आपको तुरंत पता होना चाहिए। इसके लिए एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत या राजेश सर की बुक। देखिए फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजेश मिश्रा सर की बुक पढ़ रहा हूँ। अब बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या कौन सी, क्योंकि मुझे वो बुक बहुत ही फ्रेंडली लगी, क्योंकि उसमें जो टॉपिक दे रहे हैं वो बहुत ही एक स्मूथ वे में एक कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है बिना किसी कठिनाई के, तो इसलिए मैं वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम चलते हैं भूगोल के लिए, कि आपको भूगोल में क्या करना होगा। हमने पॉलिटी देख लिया, इकोनॉमी देख लिया, एनवायरनमेंट देख लिया, अब हम ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। देखिए भूगोल, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। कैसे? देखिए भूगोल आपकी उंगलियों पर हो, जैसे कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, 6 to 12 तक की बुक ज़रूर पढ़नी है NCERT की, जो मैंने पहला ही पॉइंट बताया था, ठीक है। फिर ज़्यादा प्रश्न इन्हीं से देखने को मिलेगा, आप UPSC के प्रश्न उठा लो प्रीलिम्स के, उसमें 6 to 12 तक के जो भूगोल के ना, वो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस बार पूछा था खगोल पिंड किसे कहते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में शायद जहाँ तक मेरे को कन्फर्म है वहाँ तक यही क्वेश्चन था। फिर अब देखिए, अगर आपको भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें थोड़ी कहीं कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम आती है,
तो मैं आपसे यूपीएससी के लिए फ्री लेक्चर की बात करूंगा, तो आप मधुकर कोटवे सर के लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। मधुकर कोटवे सर के लेक्चर यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल है, एकदम फ्री अवेलेबल हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी के लिए। फिर अब हम चलते हैं एनसीआर जो है हिस्ट्री के लिए। देखिए हिस्ट्री में आपको बेसिकली एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, 6 to 12, और मणिकांत सर के वीडियोस पढ़ने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ऐसा क्यों प्रेफर किया है, आप जब मणिकांत सर के वीडियो पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री आपको एकदम ऐसे समझ में आएगी। ऐसे हिस्ट्री को इस तरीके से समझना आपके, ताकि क्या हो, क्योंकि आपको पता होगा हिस्ट्री बाकी सारे सब्जेक्ट की जननी होती है। फिर आप हिस्ट्री के साथ में पॉलिटी जोड़ पाओगे, हिस्ट्री के साथ में आप ज्योग्राफी जोड़ पाओगे। इस प्रकार सारे सब्जेक्ट को हिस्ट्री से कनेक्ट करना है आपको। हिस्ट्री आपको जो एक मेन कोर रखनी है, फिर उससे आप सब्जेक्ट कनेक्ट करना है। लेकिन बाकी हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री को ऐसे पढ़ते हैं, फिर हम ऐसे कनेक्ट कर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो हमारे यहाँ से कहीं से ही बीच में ये ब्रोक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये टूट जाता है, और फिर हमारी प्रिपरेशन कुछ इस प्रकार से होने लगती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 9, देखिए 9 में क्या करना है आपको, इन सभी विषयों के लिमिटेड संसाधन रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब भी पढ़ें अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज रखें। आपको कभी भी एक कंपार्टमेंट नहीं बनाना है, क्योंकि उस कंपार्टमेंट के जरिए आप केवल और केवल एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बना सकते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जो यूट्यूब पर वीडियोस आते हैं या फिर जो रील्स आती हैं जिनमें सैकड़ों बुक्स रहती हैं, वो बुक्स उनको देकर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में नहीं लग जाना है। अगर आपका खुद का जुनून है तभी यूपीएससी में फील्ड में आइएगा। फिर क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 10 है वो देखते हैं। देखिए करंट अफेयर्स के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी भी कोचिंग की कोई मानसिक मैगजीन पढ़ सकते हो। मैं बेसिकली कहूँगा आप विजन की पढ़ सकते हो, या फिर खान सर की भी आती है आप मैगजीन, तो वो पढ़ सकते हो। आप दोनों में से कोई पढ़ सकते हो। एंड फिर आप विजन के PT 365 इन कवर में भी, देखिए विजन की एक खासियत बात बताऊँ ना, कि प्रीलिम्स से पहले उसका विजन PT 365 दिन वाला आता है, जो लगभग 150 के पेज की आसपास की बुक आती है, उसमें सारा कवर हो जाता है। तो आप इसे और जनरल साइंस की, माय डियर फ्रेंड्स देखिए जनरल साइंस के लिए आप दृष्टि की क्विक बुक पढ़ सकते हो, उसमें साइंस के बेसिक टॉपिक्स कवर करा दिए जाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा इस वीडियो का, वो है दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर जनवरी फरवरी मार्च सभी किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान की टेस्ट सीरीज लगाएं, अप्रैल मई में पेपर तक रिवीजन करें और PYQs करें। इन सभी के जो आप, मैंने ये 11 पॉइंट बताए ना, अगर इनको फॉलो करेंगे ना तो प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, साथ ही मेंस पर भी मजबूत पकड़ बनेगी। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए अगर ये इस वीडियो का पर्पस था, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, एंड थैंक यू। एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। एंड बेसिकली हमारी पॉलिटी के लिए जो सीरीज़ आ रही है उस सीरीज़ में ज़रूर जुड़िए।